संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1-15 तक। ईसा गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए किया करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेत्रोस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त में माता पिता एवं भाइयों बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम पाते हैं कि भीड़ की भीड़ यीशु को देखने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए आ जाती है। ये लोगों की भीड़ यीशु की बातों को सुनने के लिए ललायत थी, इसलिए दूर दराज से लोग यीशु के पास आए थे। उन दिनों उनके पास यातायात के साधन नहीं थे, वे पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और काफी दिनों तक वे यात्रा करते थे। यीशु को देखने के लिए लोग दूर दराज से आए थे। उनके पास यात्रा करने के समय जो भोजन था वो भी शायद समाप्त हो चुका था। वे भूखे प्यासे यीशु के वचन को सुन रहे थे और उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यीशु ने जब अपनी आंखें ऊपर उठाई तब उन्होंने एक विशाल जनसमूह को देखा। तब यीशु फिलिप की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि हम उन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदेंगे। फिलिप ने उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। तब सभी शिष्य भोजन की व्यवस्था के लिए वहां इकट्ठी भीड़ में पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। सिर्फ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। वह लड़का भी काफी दूर से यीशु को ढूंढने, उनके वचनों को सुनने आया था। जब उसने यीशु को करीब से देखा
उनकी बातों को सुना तो वह यीशु को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। वह नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, और ये 5 रोटियां और 2 मछलियां इतने भीड़ के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब अंद्रियास ने कहा कि यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, तो वह लड़का बिना सवाल किए अपना भोजन यीशु के लिए दे देता है। इसलिए तब यीशु उसी 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 से भी अधिक लोगों को इच्छा भर खिलाकर तृप्त किया तथा बचे हुए टुकड़े बटोरने पर 12 टुकड़े भर गए। यीशु ने यह रोटियों का चमत्कार दिखाया। यदि वह लड़का यीशु को अपनी रोटी और मछली नहीं दिया होता तो यीशु ये चमत्कार नहीं दिखा पाते। इसलिए जब हम यीशु को अपनी ओर से देते हैं या अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो यीशु हमारे जीवन में भी चमत्कार करेंगे। हमें भी यीशु अपनी कृपा और आशीष से भर देंगे। इसलिए हमें उस लड़के की तरह यीशु को देने के लिए सीखना है। हम पवित्र बाइबल में भी पाएंगे कि जिन्होंने भी यीशु को ढूंढा और यीशु के लिए अपना जीवन समर्पित किया उन्हें ईश्वरीय कृपा मिली। जैसे संत लुकस रचित सुसमाचार अध्याय 1:38 में हम पाते हैं कि माता मरियम अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित कर देती है। इसलिए तब उसे ईश्वर की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संत मत्ती अध्याय 2 में 3 ज्ञानी लोग यीशु को ढूंढने जाते हैं और जब उन्होंने यीशु को पाया तो वे यीशु को उपहार देते हैं। संत लूकस पत्र सुसमाचार में अध्याय 2:15-20 तक में भी हम पाएंगे गलीलीय लोग भी यीशु को खोजने जाते हैं और जब उन्होंने यीशु को पाया तो वे भी यीशु को उपहार देते हैं। संत लूकस अध्याय 19 में जकयुस भी यीशु को करीब से देखना चाहता था। यीशु को देखने के लिए वह मेहनत करता है। वह गुल्लर के पेड़ पर चढ़ जाता है। वह लोगों की परवाह नहीं करता है कि लोग मुझे पेड़ पर चढ़ा देखकर हंसेंगे या मजाक उड़ाएंगे। वह कद में छोटा था फिर भी किसी प्रकार पेड़ में चढ़ गया और चुपके से यीशु को देखने लगा। पर यीशु ने उसे देख लिया और जकयुस की इच्छा को जान गया। इसलिए तब यीशु जकयुस के घर ठहरने के लिए जाते हैं। तब जकयुस शहर से यीशु का स्वागत करता है बल्कि अपना जीवन यीशु के लिए समर्पित करते हुए अपने पास जो भी धन संपत्ति था उसे वह लोगों को दे देता है। इसी तरह हम पाते हैं कि जब हम ईश्वर के लिए देते हैं या अपना जीवन ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में भी चमत्कार होगा। हम ईश्वर के कृपा पात्र बनेंगे। इसलिए आइए हम ईश्वर को देना सीखें। हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं? हम ईश्वर के वचन अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और दूसरों की भलाई कर सकते हैं। क्योंकि यीशु कहते हैं, तुमने मेरे लिए इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। संत मत्ती अध्याय 25:40। इसलिए आइए हम अपने जीवन को अपने कार्यों को ईश्वर के लिए समर्पित करें।